नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो है प्रोसेस वो अब स्टार्ट हो चुकी है और डेट भी फाइनली आ ही चुका है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होगा। आपने नोटिफिकेशन देखा होगा या फिर इससे पहले वाली मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया कि लेवल 6 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 26 से स्टार्ट है। लेकिन ये एक और नोटिफिकेशन यहाँ पर आज ही के दिन 14 को ही आई हुई है जिसमें इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पूरे प्रोसेस को बताया है। इसके अलावा ये भी बताया है कि लेवल 5432 के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे वो कैसे होंगे। साथ में यहाँ पर ये भी जानकारी मिलेगी कि क्या वो स्टूडेंट जो लेवल 6 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और फिर उनका मेडिकल होगा, अगर वो मेडिकली फिट होते हैं तो क्या बाकी के लेवल्स में उन्हें टाइम मिलेगा। अगर वो चाहते हैं कि लेवल 6 में ना करके लेवल दूसरे लेवल्स में करें या फिर या उनकी जो क्योंकि उन्होंने प्रायोरिटी काफ़ी सारे लेवल्स में काफ़ी सारे पोस्ट की दे रखी हैं तो किस तरीके से उन्हें प्रायोरिटी बेस्ड पर उन्हें यहाँ पर जॉब मिल पाएगी वो भी यहाँ पर प्रोसेस पूरा समझाया गया है। तो हर एक चीज़ें बारीकी से यहाँ पे दी गई है। काफ़ी कुछ अलग यहाँ पे एरर भी करने वाला है इस बार, इसलिए हमें ये देखना होगा। ये जो नोटिफिकेशन है काफ़ी यूनिक है और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो इन इन्फॉर्मेशन को केयरफुली यहाँ पर आज देखना है। इसके अलावा टाइपिंग रिजल्ट कब आएगा और DV कब होगी, ये सब कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है सभी लेवल्स के लिए। ठीक है, तो काफ़ी कुछ यूनिक चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए, समझने के लिए। तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखी गई है। वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसे जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि रेलवे से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हों आपको यहाँ पर लगातार मिलती रहें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आई है रेलवे की तरफ से वो क्या चीज़ है। देखिए ये है, आप देख सकते हो कि ये डेट आप देख सकते हो 14 तारीख को ही ये आई हुई है, ये आप समझना। इसके अलावा यहाँ पे लिखा गया है कि नोटिस ऑन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। ये जो पूरा प्रोसेस है ना वो समझना जरूरी है कि कई सारे स्टूडेंट के मन में डाउट था कि अभी लेवल 6 का आया है तो लेवल 5 का कब आएगा, 3 का, 2 का कब आएगा, क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से ये कंडक्ट करेंगे, यूनिकनेस जो है वो कैसे कंप्लीट की जाएगी, क्या लेवल 6 में जिसका नाम आ गया है दूसरे लेवल्स में नाम उनका नहीं आएगा, अगर वो उनकी प्रायोरिटी लेवल 5 में थी तो लेवल 6 में वो कैसे गए, ये बहुत सारी चीजें डाउट थी वो सब कुछ यहाँ पे जानने को बाकी है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं लिखा क्या गया है कि द सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT 2 वॉज कंडक्ट सेपरेट फॉर ईच लेवल्स, है ना। तो देखिए सभी लेवल्स के अलग अलग एग्जाम हुए थे, इसकी वजह से क्या हुआ, एज सच द कैंडिडेट हैव टू बी कंसिडर इन मोर देन वन पे लेवल्स एज पर देयर मेरिट एंड ऑप्शन फॉर द पोस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव पे लेवल्स। ठीक है, तो क्योंकि अलग अलग लेवल्स के एग्जाम अलग अलग कंडक्ट कराए गए थे, ऐसे में जो स्टूडेंट अच्छे नंबर्स लेके आ रहे थे तो वो इन सभी लेवल्स में एक से ज्यादा लेवल्स में क्वालिफाइड हैं और उनके नाम भी हैं, ऐसे में वो एक से अधिक बार काउंट किए जा रहे हैं। फिर क्या लिखा गया, हाउएवर As candidate can only be in panel against any one post, it is essential to publish the short listing for document verification in various pay level one after the other in sequence. तो लिखा गया क्योंकि number of candidate जो हैं एक से अधिक pay level में available हैं, ऐसे में अगर एक साथ सभी का document verification का result दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं वहां पर जो है ना कॉमन स्टूडेंट काफी सारे हो जाएंगे। ऐसे में यह बताया गया है कि जो इम्पैनल यानी कि जिनको इम्पैनल किया जाएगा यहाँ पर यानी जिन्हें जॉब मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट और एक ही किसी लेवल में मिल सकती है, एक से अधिक लेवल में यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। वैसे में वैकेंसीज वहाँ पे शॉर्टफॉल हो सकती है, वहाँ पे कैंडिडेट जो है रिपीट हो जाएंगे, ऐसे में वहाँ पे फुलफिल वैकेंसीज नहीं हो पाएंगी। तो इसी वजह से यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो वन आफ्टर वन यानी कि लेवल 6 का भी हो रहा है, उसके बाद लेवल 5 का, फिर 4 का, फिर 3, फिर 2, ऐसे करते जाएंगे, लेवल 6 सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस करते जाएंगे। लिखा गया है स्टार्टिंग फ्रॉम हाईएस्ट लेवल दैट मींस लेवल 6 सो दैट यूनिक कैंडिडेट आर शॉर्टलिस्टेड फॉर अक्रॉस पे लेवल, है ना। तो लेवल 6 से स्टार्ट करा गया, जैसा कि आपको पता है कि डीवी की डेट आ चुकी है ऑलरेडी। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं 26 तारीख से डीवी की डेट स्टार्ट हो गई है। उसका फुल नोटिफिकेशन क्या है मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप इस आई बटन पे क्लिक करिए, यहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या लिखा गया है, अकॉर्डिंगली द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट इन पे लेवल 6 हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड, बता दिया। फोर्थ में क्या लिखा गया, द शॉर्ट लिस्टिंग अगेंस्ट द पोस्ट इन पे लेवल 6 वॉज बेस्ड ऑन द स्कोर इन CBT 2 एप्टीट्यूड टेस्ट एंड द प्रायोरिटी वेरियस पोस्ट विद इन पे लेवल 6। तो लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर प्रायोरिटी को नहीं
ध्यान में रखा गया है कि पोस्ट प्रेफरेंस आपने क्या रखा है। बिल्कुल उसको भी ध्यान में रख के यहाँ पर पेल वॉल्सिस का जो है ना वो रिजल्ट यहाँ पे दिया गया है। और क्योंकि जो कैंडिडेट का जो शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है लेवल 6 में वो इसे यूनिक करना था, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ पेल वर्सेस का पहले रिजल्ट दिया गया है जो कि सीवीटी 2 और एप्टीट्यूड बेस्ड में जो मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पर यहाँ पे हुआ है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा गया है कि यहाँ पे लिखा है इन ऑर्डर टू शॉर्ट लिस्टिंग यूनिक कैंडिडेट एज एक्सप्लेन इन सीरियल नंबर 2 अबव द कैंडिडेट हु आर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट इन पे लेवल 6 हैव टू बी गिवन अंडरटेकिंग that if the found medically fit for the post of pay level 6, they will forfeit the right to be considered for the any other pay levels. आप इस लाइन को आप समझो, यहाँ पर लिखा गया कि अगर कोई भी कैंडिडेट जिनका नाम लेवल 6 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आया हुआ है और वो वहां पे जाते हैं, तो अगर वो वहां पर मेडिकली फिट होते हैं तो वो दूसरे लेवल्स के लिए भी फॉरफिट माने जाएंगे। ये उसके लिए अंडरटेकिंग वहां पे देना होगा, ठीक है। दैट मींस कि अगर लेवल 6 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सिलेक्टेड हो, मेडिकल भी फिट हो, तो आप जो है ना दूसरे लेवल्स के लिए भी एलिजिबल हो, दूसरे लेवल में भी आप फॉरफिट माने जाओगे। कैंडिडेट विल दस बी इम्पैनल अगेंस्ट ओनली वन पोस्ट ओनली। अब क्या होगा, क्योंकि आपको देखो आपकी मेरिट अच्छी थी इसलिए आपको लेवल 6 में बुला लिया गया, और दैट मींस अगर आपने लेवल 5 का एग्जाम दिया था और लेवल 5 में भी आपका नाम था तो डेफिनेटली आप टाइपिंग में भी गए होंगे, ठीक है। तो टाइपिंग भी गए होंगे और आपका मान लीजिए टाइपिंग भी क्वालिफाई है, यानी कि आप लेवल 6 में भी क्वालिफाई हैं और लेवल 5 के टाइपिंग में भी क्वालिफाई हैं, और लेवल 6 में आपका मेडिकल के लिए नाम आ गया, डेवी के लिए नाम आ गया, मेडिकल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, बट आपने जो है ना डॉक्यूमेंट जब सब एप्लीकेशन जब फॉर्म फिल कर रहे थे तो लेवल 5 की पोस्ट को ना आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा था और लेवल 6 को सेकंड प्रायोरिटी पे रखा था। अब क्या होगा, क्योंकि आपको लेवल 6 में यहाँ पर मेडिकल हो रहा है तो आप मेडिकली फिट माने जाओगे, और जब आपका फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा तो वहां पर अगर आपका लेवल 5 में आपने फर्स्ट प्रायोरिटी दे रखा था तो यहाँ पर आपको लेवल 5 वाली ही जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं कि लेवल 6 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो आपको लेवल 6 वाली ही जॉब मिलेगी जिसको आपने प्रायोरिटी वेस्ट रखा है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि लेवल 6 में अगर आपका मेडिकल होता है और फिट माने जाते हैं तो आप जो है ना अदर लेवल्स के लिए भी फॉरफिट होंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जिस भी लेवल को आपने फर्स्ट प्रियोरिटी में रखा था, मान लो आपने लेवल 2 को ही फर्स्ट प्रियोरिटी में रखा था, तो भले ही आपका लेवल 6 में यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल हो रहा है, बट आप जो है ना आपकी प्रियोरिटी अगर फर्स्ट प्रियोरिटी लेवल 2 के लिए है तो आपको उसी में आपको पोस्ट मिलेगा यहाँ पर, ये चीज यहाँ पर बताई गई है, इसे आप काफी ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसके बाद लिखा गया है कि द कैंडिडेट फाउंड मेडिकली अनफिट फॉर द पोस्ट इन द पे लेवल 6 will be considered for the shortlisting to the next lower pay level post as their merit and medical fitness in that of respective pay levels. तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था जो कैंडिडेट के मन में था। आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर आप मेडिकली अनफिट हो जाते हो मान लो लेवल 6 में, तो लेवल 6 की जो क्राइटेरिया है जो कि A2 है ना, आपने सब देखा होगा, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, A2 मेडिकली क्राइटेरिया है यहाँ पर। अगर आप इसमें फेल हो जाते हो तो भी आप जो लोअर पे लेवल्स है ना, जैसे मान लो लेवल 5 का भी तो A2 ही माना जाएगा, लेवल 4 का है, 3 का है, और 2 का मान लो 2 का भी है तो उसमें B शायद है या फिर C है, तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड को अगर आप क्रॉस करते हो और उसमें आप पास भी हो, आप मेरिट भी हो, तो आपको जो लोअर जो लेवल्स है ना वहां पे आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। मतलब आप समझो कि मान लो आप लेवल 6 में गए, लेवल 6 में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 था जिसमें 6/12 यहाँ पे 6/9 या फिर 6/12 ऐसा मांगा गया है, ठीक है 6/9 मांगा गया है आई विजन, बट आपका ऐसा नहीं है, आपका 6/12 है, 6/12 है जो कि यहाँ पर लेवल 2 के लिए ठीक है, तो आपको लेवल 2 में यहाँ पे मौका दे दिया जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक ही बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एक ही बार आपका मेडिकल होगा, और उसी बेस पर ये डिफाइन कर लिया जाएगा कि आप किस लेवल के लिए एलिजिबल हैं और उसी लेवल में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा अगर आप मेरिट में रहते हैं तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द कैंडिडेट फाइनली इम्पैनल्ड, जो कैंडिडेट इम्पैनल्ड हो जाएंगे मतलब लेवल 6 पर मेडिकल हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और उसमें आप इम्पैनल्ड भी हो गए, तो क्या बताया गया कि आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट इन पे लेवल 6 विल बी एक्सक्लूडेड इन शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस टू द अदर पे लेवल्स पोस्ट, है ना। तो यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, फाइनली आप इम्पैनल हो जाते हैं लेवल 6 में, तो बाकी आगे के जितने भी लेवल्स होंगे वहां से आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, अब वहां पे आपको काउंटिंग नहीं की जाएगी। फेल होने पर
अनफिट होने पर आपको वहां पे काउंटिंग किया जाएगा, आपको दोबारा मेडिकल नहीं होगा, बट उसी में डिसाइड हो जाएगा कि आप किस लेवल के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप किसी भी लेवल के लिए एलिजिबल नहीं होते तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ईच कैंडिडेट नीड्स टू बी अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ओनली वंस इन नॉर्मल कोर्स, है ना। तो आपको यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि सिर्फ एक ही बार आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल कराने जाना है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी है, जो लेवल 5432 के लिए लिखी गई है, वो बताया गया कि देयर आफ्टर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द अदर पे लेवल्स विल बी पब्लिश्ड इन फेज्ड मैनर। दैट मींस कि लेवल 6 का जो पूरा प्रक्रिया है, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद ही दूसरे जो लेवल्स हैं उनके जो शॉर्ट लिस्टिंग जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स आप ये समझ सकते हो कि 26 से लेकर के 30 तक यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो बात है ना वो आरआरबी की तरफ दी गई है। और इसमें से कम जैसे 26 को अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, 30 को खत्म हो रहा है, तो ऐसे में 30 के बाद से लगभग 5 से 6 दिन जो है ना वो मेडिकल में लग ही जाते हैं, ठीक है। तो 5 से 6 दिन मतलब 1 वीक मान लो, तो कम से कम 7 अक्टूबर आप ये समझ लो कि 7 अक्टूबर के बाद से आपको ना यहाँ पर जो है पे लेवल 543 में 5 के लिए एक तरीके से मान सकते हो कि यहाँ पर नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, टू मेंटेन द मेरिट ऑर्डर ऑफ द कैंडिडेट इन पे लेवल एंड यूनिकनेस इन एम्पैनलमेंट ऑफ द कैंडिडेट अक्रॉस द लेवल्स द अबव अक्रॉस इज बीइंग फॉलोड, है ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है यूनिकनेस फॉलो करने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से इतना लंबा प्रोसेस ये चल रहा है। इवैल्यूएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइपिंग, अब देखिए टाइपिंग के लिए क्या बोला गया इसमें, टाइपिंग का भी देखो अभी क्या है, टाइपिंग क्या रिजल्ट देने के लिए इनको इस प्रोसेस को वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही टाइपिंग का प्रक्रिया खत्म हो जाएगा ये टाइपिंग का रिजल्ट दे देंगे, ताकि आप ये पता कर पाओगे कि आपका जो है ना टाइपिंग में सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया कि इवैल्यूएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइपिंग टेस्ट स्क्रिप्ट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, हाउएवर आरआरबीज आर टेकिंग ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू कंप्लीट देयर प्रोसेस इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि काफी टाइम लगता है टाइपिंग के जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको चेक करने में, है ना। तो कहीं ना कहीं इस वजह से इसमें डिले हो रहा है, बट काफी जल्दी ही ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि कुछ 2-3 दिनों में ये रिजल्ट भी आ ही जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में टाइपिंग में कितने स्टूडेंट पास कर रहे हैं और क्या आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। कैंडिडेट शुड नॉट फॉल प्रे टू रूमर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रेगुलरली विजिट आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट फॉर अपडेट्स, है ना। तो डेफिनेटली आपको किसी भी रूमर्स और मिस इन्फॉर्मेशन पर बिलीव नहीं करना चाहिए। आप आरआरबी की वेबसाइट को चेक करते रहिए या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी, टाइम टू टाइम आप देखते रहेंगे। आगे क्या लिखा है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी फॉर लेटेस्ट अपडेट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्लीज डू नॉट मिसलीड एंड अनऑथराइज्ड सोर्सेस, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आरआरबी ने दे दी है। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काफी ज्यादा ऑथेंटिक और काफी ज्यादा मतलब एक तरीके से होपफुल होगी, क्योंकि ये प्रोसेस जो है काफी अच्छा लग रहा है ना। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जो कैंडिडेट लेवल 6 में जो मान लो उनकी प्रायोरिटी नहीं थी फर्स्ट, और उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी 5 को दे रखी थी, तो क्यों उनको लेवल 6 में जबरदस्ती भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस यूनिकनेस को भी मेंटेन करने की काफी अच्छी कोशिश है आरआरबी की तरफ से। तो इस वजह से आप वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे की जो अपडेट्स हैं आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।